केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 7th पे कमीशन। इसके अलावा दोस्तों यहां पर केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स कर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, डीए और डीआर हाइक दोस्तों तीनों किस्तों के साथ जुलाई 2021 की जो चौथी किस्त है वो भी इनको मिलेगी एक साथ। दीपावली से पहले मिलेगा इनको बड़ा तोहफा दीपावली का। तो जी हाँ दोस्तों, डीए में बढ़ोतरी हो चुकी है और आपको बताया कि डीए में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है जुलाई 2021 में, कितना बड़ा डीए इसके लिए। आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और पहले की 3 किस्तें फ्रीज कर दी गई थी वो भी इसके साथ ही दी जाएंगी। और जुलाई 2021 में कितना डीए बढ़ेगा और इसके अलावा कब भी डीए मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको स्टूडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि 7th पे कमीशन जुलाई 2021 में कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, जानिए नया अपडेट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डेट दे रखी है 8 जुलाई 2021 की, अपडेट्स हमें मिली हैं। यहाँ पर जो भी हम अपडेट्स आपको देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वो पूरी ऑथेंटिक देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 7th पे कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता बढ़ने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता का रास्ता साफ होते दिख रहे हैं और जल्द इसका ऐलान हो जाएगा। दरअसल जनवरी 2021 से मई 2021 के बीच जो है ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ गए हैं और इन आंकड़ों के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जुलाई में 3% महंगाई भत्ता जो है डीए अलाउंस न्यूज बढ़ सकती है और 3% जुड़ेगा डीए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 3% डीए जुड़ेगा, मतलब यह है कि सितंबर से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते में 3% डीए और बढ़ जाएगा। और अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है जो सितंबर में बढ़ना तय है। इसमें जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाएगा, मतलब कुल मिलाकर एक साथ चारों किस्तों का पैसा कर्मचारियों को मिल जाएगा। कुल कितना बढ़ जाएगा डीए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था, इसके बाद जून 2021 में भी 3% बढ़ा था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा और अब जून 2021 के महंगाई भत्ते में ऐलान जुलाई डीए न्यूज इन जुलाई इन में होना और AICPI आंकड़े के अनुमान लगाया जा रहा है कि 3% का डीए और बढ़ेगा, मतलब सितंबर 2021 में कुल मिलाकर 31% डीए का जो है भुगतान हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। साथ ही दोस्तों 3% डीए कैसे बढ़ सकता है यहाँ पर भी हमें आपको पूरी ऑथेंटिक अपडेट्स बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देखो, लेबर मिनिस्ट्री ने मई 2021 के AICPI के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इंडेक्स में 0.5 अंक की बढ़ोतरी हुई है जिसमें यह 120.6 पर पहुँच गया है और नेशनल काउंसलिंग ऑफ GCM के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा की माने तो आंकड़ों से साफ है कि जून 2021 में डीए 3% बढ़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर जो है चारों किस्तों के साथ हमारे केंद्रीय कर्मचारी को डीए 31% मिलेगा, यानी कि डीए में दोस्तों पूरी जो बढ़ोतरी है वो 31% होगी और जो सितंबर में दोस्तों इनको चारों किस्तों का भुगतान एक साथ करा दिया जाएगा। दोस्तों ये थी जरूरी अपडेट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।